सो गाइस, आज ऐसा क्या हो गया कि पीएनबी के शेयर में आज के दिन भयंकर गिरावट हो गया, लगभग 14% के आसपास। इस गिरावट का वजह कौन सा है और ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है इस भयंकर गिरावट के ऊपर, आज के इस वीडियो में सारा का सारा एनालिसिस करूंगा और टेक्निकल चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि कौन सा ऐसा लेवल है उस लेवल के ऊपर ये शेयर निकल के कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत ही जल्द इस शेयर के बारे में आपको सारा का सारा डिटेल्स मालूम पड़ जाए। सो गाइस, आज का दिन इस शेयर में हाई लगा था 31.35 रुपीस और लू लगा था 28.45 रुपीस और आज का जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है उसके वजह से इस शेयर में 13.60% की गिरावट हुआ है और ये जो शेयर है जो 50 रुपीस से नीचे है उस शेयर में अगर 4.50 रुपीस चला जाता है तो एक और बहुत बड़ा फॉल कंसीडर किया जाता है। सो गाइस, इस शेयर का जो गिरने का वजह है वो है इसका Q4 का परफॉर्मेंस, यानी कि 11th मई को यानी कि कल को इस पीएनबी शेयर का रिजल्ट निकल गया है और इस रिजल्ट में जो एक्सपेक्टेड अर्निंग का लोग कर रहे थे उस अर्निंग का एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा गिरावट अर्निंग दिखा है। आपको दिख रहा है कि पीएनबी शेयर प्राइस डाइव्स इनटू 12% जो कि 13% या फिर 14% के आसपास गिर चुका है और ये अभी 52 वीक लो पे आ चुका है। जी हाँ गाइस, अभी Q4 अर्निंग का परफॉर्मेंस इतना ज्यादा क्या है कि इस Q4 अर्निंग के परफॉर्मेंस के बाद ही ये भयंकर गिरावट देखने को मिला। तो आपको दिख रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक Q4 नेट प्रॉफिट वेंट डाउन 65.5%, यानी कि पिछले साल 10 साल का जो भी अर्निंग हुआ था, यानी कि पिछले साल का जो अर्निंग था जो कि था 586.3 करोड़, उसके मुकाबले इस साल का जो भी अर्निंग हुआ है वो है 201 यानी कि 201 करोड़ का अर्निंग हुआ है जो कि साल दर साल 65.5% के आसपास होता है। तो इतनी ज्यादा गिरावट का या प्रॉफिट का गिरावट का वजह कौन सा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो NII जो है वो NII 5% का अपर में है, मतलब कि 5% बड़ा है NII एंड जो NPA है वो है 11. ग्रॉस NPA, ये नेट NPA नहीं है, ये ग्रॉस NPA है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट हुआ है। पिछले था 12.88% और अभी गिर के हो गया है 11.78% जो कि पॉजिटिव साइन देता है। मगर अगर हम नेट एनपीए को देखें तो नेट एनपीए 4.8% है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.9% से गिरावट हुआ है। मगर इसका जो भी स्लिपेज होता था पहले वो आज के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम था, मगर अभी जो स्लिपेज निकल के आ रहा है उस स्लिपेज में 110% का इजाफा देखने को मिला है। आपको इस लाइन पे क्लियरली पता चल रहा है कि पीएनबी स्लिपेज स्काई रॉकेटेड 110.8% सब्सिक्वेंटली टू रुपीज 10,506 करोड़ एंड राइट ऑफ ट्रिपल्ड इन क्वार्टर एंड डिसम्बर पीरियड में, यानी कि राइट ऑफ जो होता है वो ट्रिपल्ड हो चुका है अक्टूबर एंड दिसंबर के अंदर। पीएनबी का जो अर्निंग है इसका रिपोर्ट भी यहाँ पर है, आपको दिख रहा है कि ग्रॉस एनपीए जो है वो 4.9% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज हुआ है। नेट एनपीए भी अभी बढ़ चुका है 3% के आसपास बढ़ चुका है। ग्रॉस एनपीए 100 बेसिक पॉइंट का एक और गिरावट देखने को मिला है एंड जो भी आपको बताता हूँ नेट एनपीए भी में भी थोड़ा ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है, लगभग लगभग 10 बेसिक पॉइंट का।
और मेनली मार्केट ऐसा नहीं सोच रहा था कि पीएनबी का स्लिपेज 110% बढ़ जाएगा। ये सिग्निफिकेंट होता है एक बैंक के लिए। तो अगर स्लिपेज बढ़ता है तो फिर प्रोविशनिंग में भी दिक्कत आएगा पीएनबी पे। अगर प्रोविशनिंग में भी दिक्कत आता है तो फिर पीएनबी का प्रॉफिटेबिलिटी भी फ्यूचर में दिक्कत कर सकता है। तो इसके वजह से पीएनबी का स्टॉक आज 13.68% के आसपास, यानी कि लगभग 14% के आसपास गिरावट हो गया है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए अगर आपके पास पीएनबी का स्टॉक है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके पास पीएनबी का स्टॉक नहीं है तो आपको क्या ये स्टॉक में फ्रेश पोजीशन बना लेना चाहिए, सारे के सारे बात करूंगा हम लोग टेक्निकल एनालिसिस। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे। पीएनबी का शेयर आप लोग देख रहे हैं और अभी डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं। तो इस डेली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर एक और गिरावट आया है, और इसका गिरावट का वजह मैंने बता दिया। और जो हम लोग देख रहे हैं कि सपोर्ट निकल के आता है वो है 26.20 लेवल के आसपास। इस लेवल के आसपास एक बड़ा सपोर्ट निकल के आता है, क्योंकि पहले पिछली बार जो भी भयंकर गिरावट आया था, आपको दिख रहा है कि इस बार जो भी भयंकर गिरावट आया था उसके बाद इस लेवल के आसपास आया। उसके बाद थोड़ा देर आपस अपर मूवमेंट में था और उसके बाद फिर से इस लेवल पे आया और बाउंस बैक करके कंसोलिडेशन में चला गया था। और आज के दिन में ये न्यूज़ निकल के आया तो इसलिए भयंकर गिरावट आया। तो फिर मुझे जो लगता है कि ये जो स्टॉक है वो अभी मार्केट भी बहुत ही ज़्यादा डाउन में है, तो फिर ये स्टॉक 26.20 लेवल पर आसानी से आ जाएगा। और आपको देखना चाहिए इस लेवल पे, अगर आपको व्यू शॉर्ट टर्म में है तो फिर आपको देखना चाहिए इस जो भी अगर आता है 26.20 लेवल पे, अगर कोई बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न निकल के आता है या फिर रिवर्सल बुलिश रिवर्सल पैटर्न निकल के आता है तो फिर आपको एक शॉर्ट पोजीशन बना लेना चाहिए और अपर सर्किट में भी जा सकता है ये शेयर। अगर हम लोग देखिए डेली टाइम फ्रेम पे, हम लोग अभी वीकली टाइम फ्रेम पे है, अगर हम लोग देखे पूरा का पूरा वीकली टाइम फ्रेम पे इसमें क्या हुआ है, आपको दिख रहा है कि पिछली बार एक और बार मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लगभग 2003 में इस लेवल पे आया था, जब ये स्टॉक पहली बार के लिए स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुआ था। उसके बाद ये 26-25 लेवल के आसपास आया था और उसके बाद 2003 के बाद ये स्टॉक ऊपर में चला जाता रहा और उसके बाद लगभग 2007 के बाद ये स्टॉक फिर से डाउन मोमेंट में आया। देख रहे हो आप, ये स्टॉक हाई लगा था 269 रुपीज़ 270-280 रुपीज़ तक हाई लगा था, और लगभग 2010 के बाद स्टॉक डाउन मोमेंट ऐसा दिखाया कि ये जो हाई है 280 रुपीज़ तक, इस हाई को कभी भी और सेकेंड टाइम अचीवमेंट नहीं कर पाया है। और अभी ये जो स्टॉक है पीएनबी बहुत ही ज़्यादा गिरावट में आ चुका है। मुझे जो लगता है कि आपको इस स्टॉक में अभी फ्रेश पोजीशन नहीं बना लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गया है और इसका प्रोविशनिंग में भी दिक्कत आ सकता है, फ्यूचर में भी प्रॉफिटेबिलिटी में भी दिक्कत आ सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप अगर सरकारी बैंक में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो SBI को आप देख सकते हो, गवर्नमेंट बैंक के अलावा प्राइवेट बैंक को देखना चाहते हो तो फिर मुझे जो लगता है कि HDFC बैंक एक और बहुत ही बेहतरीन बैंक है, क्योंकि HDFC बैंक में भी अभी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। अगर हम लोग HDFC बैंक को देखें तो हम लोग HDFC बैंक में क्लिक कर देते हैं, आपको दिख रहा है कि HDFC बैंक बहुत ही बढ़िया रन अप दिखाया है कोविड के टाइम के बाद। उसके बाद एक और गैप डाउन हुआ है, भयंकर गिरावट हुआ है, उसके बाद कोविड के बाद थोड़ा सा रिकवर हुआ, मगर अभी 2020 के बाद लगभग 2021 के बाद
अभी तक कंसोलिडेशन फेज में है, तो इस स्टॉक को आप देख सकते हो, क्योंकि अभी ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यू में है पिछले साल के अंदर, और भी सारा जो भी प्राइवेट बैंक है प्राइवेट बैंक के मुकाबले ये